प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते हैं, वैसे ही समाज की शक्ति, ये कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है और अनुभव किया है और इसे स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे वो दिन याद है कि जब हमने मन की बात पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात मन की बात में की थी, तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई, एक भारतीय खेल के जो है जुड़ने की काफ़ी ज़्यादा उमंग सी भर गई, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की उत्साह सा भर गया। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा, जब हम स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। ये कला और संगीत जगत की लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है।